जो हम लोग देखते हैं दैट इज मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। अगर सपोज कर लो वो तो वो जो केसेस था जो अभी तक जो हम लोग देखा उसका केसेस क्या था, लाइक सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ओके मे बी ये कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो ना। कंप्रेसिव तब होगा जब ये इस पे आएगा, टेंसाइल तब होगा जब इससे अवे होगा, ठीक है ना। तो हम इसका रिजोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। नाउ समटाइम ऐसा भी हो सकता है ना, इस पार्टिकल्स पे बहुत सारा फोर्स एक्ट कर रहा हो, कंसेंट्रिक फोर्स इस टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप से हम इस टाइप का फोर्सेस जब यहाँ पे एक्ट करेगा तब हम उसको कैसे रिजोल्व करेगा, वो चीज हम देखता है मेथड ऑफ रिजोल्यूशंस में। तो क्या बोलता है, लेट्स सी वो क्या है, जस्ट मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ओके क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ गिवन फोर्सेस इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट। लाइक ये जो मेरा वेरियस फोर्सेस एक्ट कर रहा है, ओके वेरियस फोर्सेस जो एक्ट कर रहा है, अभी हम इसको कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। ओके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेगा उसके बाद ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो लाइक आपको अगर इस टाइप का प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो आपको उसको पहले इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा। आप अगर याद होगा जो हम लोग ये बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ इंक्लाइंड लोड, इस टाइप का इंक्लाइंड लोड जब एक्ट कर रहा होगा, याद है कैसे करता था इसको, इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट लेता था एंड इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता था, ठीक है ना। सेम प्रिंसिपल, लाइक यहाँ का ही वो प्रिंसिपल है जो यहाँ पे यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होके वो हम लोग को मिलता है जिसको हम लोग वहां पे यूटिलाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि लाइक जो भी आपका फोर्सेस है उसको कंपोनेंट में आप कन्वर्ट कर लो विदाउट चेंजिंग देयर इफेक्ट। ओके सपोज कर लो ये 10 किलो न्यूटन लोड है, ओके तो जब ये वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा तो इसका वजह से वर्टिकली इसका कितना रिएक्शन जा रहा था, यहाँ पे कितना फोर्स जा रहा था, वो चीज आपको निकालना है। दैट मीन्स इसका वैल्यू को, इसका इफेक्ट को आपको चेंज नहीं करना है, ओके दैट मीन्स आपको इसका साइन टर्म को लेना पड़ेगा, तो ही तो हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट को निकाल सकेगा। एंड अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकालना चाहते तो आपको इसका कोस टर्म लेना पड़ेगा। क्यों हो रहा है, सी जैसे कि ये आपका फोर्स है फॉर एग्जांपल, ओके तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ये आ जाएगा ना, यही होगा ना इसका वर्टिकल कंपोनेंट, होगा कि नहीं होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा, ओके एंड हमको क्या पता है कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में जाएगा ना इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड ये वेक्टर क्वांटिटी हम क्या करेगा इसको जस्ट यहाँ से लिफ्ट अप करके यहाँ पे इसको डाल दिया, ओके यहाँ पे डाल दिया। तो क्योंकि आप इस पॉइंट में इसको एनालाइज कर रहे हैं ना, इस पॉइंट में, ओके आपको जस्ट ये इंक्लिनेशन आपको पता होना चाहिए, आपका ये इंक्लिनेशन कितना है या ये इंक्लिनेशन कितना है। ये इंक्लिनेशन जब आपको पता हो जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हमको क्या पता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमको ये एंगल पता है, ओके तो साइन थीटा क्या हो जाता है, यस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये मेरा बेस हो गया। तो वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इसको रिजोल्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अ फोर्स इज जनरली रिजोल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओके लाइक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसका कंपोनेंट अगर हमको निकालना है तो हम इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में इसको मर्ज लाइक कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज रिवर्स एक्शन ऑफ एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ कोर्स, ये तो हमको पता है। लाइक वेक्टर्स यूनिट आप पढ़ाई होगा फिजिक्स में, प्लस टू में, 11-12 में हम लोग पढ़ते हैं, सेम चीज को जैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है क्या बोल रहा है, जस्ट ये प्रिंसिपल को थोड़ा याद रखना है, क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल याद है तो आप उसको गलती करने का चांसेस नेग्लिजिबल हो जाता है। इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन, ओके दैट मीन्स सपोज कर लो ये आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट का रिजोल्व किया ना जो आपको मिला, ओके
ये क्या है अल्टीमेटली, सब इंडिविजुअल फोर्सेस का, लेट से F1 साइन थीटा, F2 साइन थीटा, F3 साइन थीटा, सभी का पार्ट है. ओके okay? वही बोल रहे हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इन गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट. रिजल्टेंट ये हमको मिल रहा है ना अल्टीमेटली, तो इंडिविजुअल फोर्सेस का वजह से जो हम रिजोल्व कर रहा उसका शम हमको इसका रिजल्टेंट का रिजल्ट है ना. क्या बोल रहा है ये नोट, इन गिवन इन जनरल द फोर्सेस आर रिजोल्व इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सिर्फ ये दो डायरेक्शन में हम इसको रिजोल्व कर रहा होता. ओके क्या है ये रूल्स और ये स्टेप्स को आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला, रिजोल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट मींस समेशन ऑफ H is equal to, let's say, F1 cos theta, F2, like plus F2 cos theta, अगर बहुत सारा forces है तो F2 cos theta इस टाइप से हमको मिल जाएगा ना, सभी forces का summation हमको मिल रहा है. उसके बाद क्या करना है हमको, resolve all the forces vertically and find their algebraic sum. Okay? And जब हमको horizontally and vertically का resolve part मिल गया, okay? हम इसका resultant को भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया कंपोनेंट, तो अभी हमको क्या निकालना है इसका, हाइपोटेनस ना, जस्ट जो हाइपोटेनस है यही क्या है मेरा, इसका रिजल्टेंट है. एंड जब हमको इसका वर्टिकल एंड बेस, ओके अल्टीट्यूड एंड बेस, जब हमको एक राइट right, हमको जब एक राइट एंगल ट्राइंगल का मिल गया था, हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जस्ट उसको यूटिलाइज करके हम इसका रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर लिया. एंड ये रिजल्टेंट जो है, ओके ये रिजल्टेंट जो है कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ओके इसका एंगल क्या है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट टेन थीटा, लाइक वहां पे हम टेन अल्फा कर रहा था ना, एंड ये तो जस्ट सिंपल है, हम ये टेन थीटा निकाल रहा है ना, दैट मीन्स ये वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो जस्ट हमको बता दिया. ओके Now, ये तो हो गया जस्ट आपका कैलकुलेशन का पोर्शन. नाउ अभी यहाँ से एमसीक्यू वगैरह में भी आपको कुछ पूछ सकता है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद आगे बताता. हो जाने से बोलिए, चलिए नोट को भी लिखेगा. हाँ नोट ही तो इम्पोर्टेंट है, उसको समझाता है, नोट से आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है. हो गया क्या? नो क्या बोल रहा है ये? सी ये नोट जो बोल रहा है, व्हेन समेशन ऑफ वी दैट मींस वर्टिकल कंपोनेंट इज पॉजिटिव द रिजल्टेंट मेक एंगल बिटवीन 0 to 180 डिग्री. दैट मींस वर्टिकल मेरा पॉजिटिव है, दैट मींस ये ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऊपर डायरेक्शन में जाएगा ना सिग्मा वी. सिग्मा वी तो मेरा साइन वाला टर्म से आ रहा है ना, समझ रहा? ओके तो जब मेरा सिग्मा वी पॉजिटिव है दैट मींस ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर में जा रहा है,
ओरिजेंटल लाइन का ऊपर में जा रहा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये आपका ओरिजिन है, ये ऑर्डिनेट हो गया ना, तो दैट मीन्स ये जो सिग्मा वी है ये ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड जब मेरा ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट का बीच का एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट आइदर इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स वो 0 to 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है, 0 to 180 डिग्री का बीच में एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स रिजल्टेंट आइदर यहां है या यहां है, ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या बोल रहा है, बट व्हेन सिग्मा वी इज नेगेटिव, दैट मीन्स जब ये मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, नेगेटिव है दैट मीन्स इधर आ गया ना, ओके, इधर आ गया तो क्या होगा, द रिजल्टेंट मैक्स एंगल बिटवीन यहां से लेके इसका बीच में आपका रिजल्टेंट एंगल फॉर्म कर रहा, सॉरी नहीं उधर जाने से तो फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक यहां से लेके जो आपका ये रिजल्टेंट है, हाँ यहां से लेके यहाँ का बीच में, दैट मीन्स आपका ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया ना, जब आपका सिग्मा भी नेगेटिव है दैट मीन्स आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का नीचे में है, ठीक है ना, ये क्या है मेरा पॉजिटिव होता है, ये क्या है नेगेटिव होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो याद होगा, इस साइड मेरा पॉजिटिव वैल्यू होता है नंबर लाइन का, इस साइड मेरा नेगेटिव वैल्यू होता है, इस साइड मेरा पॉजिटिव वैल्यू होता है, एंड इस साइड क्या होता है नेगेटिव वैल्यू होता है, ओके वही है, तो दैट मीन्स सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा भी नेगेटिव है दैट मीन्स ये नीचे आ रहा है, ओके, सिग्मा पॉजिटिव है दैट मीन्स वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या है पॉजिटिव है, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव है दैट मींस मेरा लाइन किधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहाँ यही है ना पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव है, तो क्या बोल रहा है, अगर आपका आपका अगर सिग्मा एच पॉजिटिव है दैट मींस रिजल्टेंट क्या है 0 to 90 डिग्री का बीच में है, राइट, आपका ये यहाँ पे ही कहीं आ रहा है ना, जस्ट अ मिनट, एक किसी को कुछ डाउट हो रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो दैट मींस 0 to 90 डिग्री रिजल्टेंट आपका इस क्वाड्रेंट में आ रहा है कहीं, ठीक है, नाउ अगर क्या बोल रहा है और 270 to 360 डिग्री, हेलो, यस, अभी देखो 270 to 360 डिग्री दैट मींस ये देखो ये जीरो है, ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है ना, अब ये क्या हो जाएगा आपका 270 डिग्री है, एंड अगेन ये क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो ऐसे मूव करता है ना, समझ रहा है कि नहीं,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोगों का कुछ इस टाइप से वेरी करता है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270. 270 के बाद अगर 98 करेगा तो 360 डिग्री तो इसी जगह में आ जाएगा, है कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं? हाँ. ओके, तो वही बता रहा है मेरा अगर हॉरिजेंटल समेशन ऑफ हॉरिजेंटल पॉजिटिव है तो दैट मींस आइदर मेरा एंगल यहाँ पे है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यही दोनों कंडीशन ऐसा है जो कि मेरा हॉरिजेंटल समेशन ऑफ वी एच बताएगा. बाकी यहाँ पे तो क्या होगा, मेरा नेगेटिव बताएगा ना. तो यहाँ पे होने के लिए क्या है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री होगा अगर मेरा एंगल अगर मेरा सिग्मा वी नेगेटिव है. ओके, सिग्मा वी नेगेटिव है तो दैट मींस एंगल क्या होगा, 90 टू 180 डिग्री का बीच में होगा या 180 टू 270 का बीच में होगा, वही चीज जस्ट बता रहा है. ओके, इफ सिग्मा एच इज नेगेटिव द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बिटवीन 90 टू 270 डिग्री, लाइक 90 टू 180 एंड अगेन 180 से लेके 270. दैट मींस हम सिंपली इसको बोल सकते हैं ना, यहां से यहां तक आ रहा है, समझ रहा है कि नहीं? हां. ये चीज जो है आपको एमसीक्यू में समटाइम पूछता है, ये चीज को जस्ट आपको ध्यान देना. एंड अगेन फिर आदमी थोड़ा इसमें कंफ्यूज होता है. ओके, ये तो मेरा 90 हो गया. ओके, ये समझ गया ना ये. अभी लाइक हम आपको ये बता रहा है कि मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में मूव करता है. ओके, अगेन जब हम कंपास सर्वे पढ़ा रहा होगा तो ये चीज वहां पे चेंज हो जाता है. कंपास में ये इस मैनर में हम यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है? तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना. कंपास में क्या होता है हम लोग का, इस टाइप से होता है 0 से 90 होता. यस, इसमें क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल मूव कर रहा है ना. कभी कभी एमसीक्यू टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है एंटी क्लॉकवाइज 0 टू 90 डिग्री, बट कंपास का मेरिडियंस और बियरिंग्स कैसे होता है, ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है एंड ये मेरा 270 होता है. कंफ्यूज नहीं होना, ये एंटी क्लॉकवाइज है. मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट और मैथमेटिकल जो आपका जो सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि मेरा कंपास का बियरिंग सिस्टम जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रेजुएटेड है, ठीक है, उल्टा है डायरेक्ट. तो कंफ्यूज नहीं होना इससे इस यहाँ पे. ओके, यहाँ पे क्या है, मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. हमेशा आदमी कंफ्यूज होता है दोनों में, जस्ट दोनों को देख लीजिए, डिफरेंस है, बियरिंग्स डिफरेंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिफरेंट है. ये जस्ट सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हम यूटिलाइज करता है, ये हम कॉम्पास में यूटिलाइज करता है, कॉम्पास का कैलकुलेशन में यूटिलाइज करता है, ठीक है? तो आगे चलता है, ये स्टेप्स को आप लिख लिया एंड अभी समझ गया होगा ये. मेरा समेशन ऑफ वी जो मेरा रिजल्टेंट है, ओके, फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, फोर्सेस का रिजल्टेंट को देख के हम बता सकता है कि मेरा जो रिएक्शन है, ओके, या रिजल्टेंट फोर्स है, ओके, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो इतना होने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करके देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल देखता है, एक मिनट. क्या है क्वेश्चन, जस्ट यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता नहीं है, एक दो मार्क के लिए मैं भी समटाइम पूछ ले. ये है आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ ट्रायंगल एबीसी हैज इट्स साइड एबी इक्वल टू 40 यूनिट, ओके, अलोंग पॉजिटिव एक्स, राइट, BC equal to 30 unit along positive y. Okay, three forces of 40 newton, 50 newton, and 30 newton act along side AB, BC, and CA respectively. Determine the magnitude of resultant of
सच सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो अभी हमको इसका सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इसका लाइक हमको रिजल्टेंट को निकालना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लिख लीजिए पहले। हो जाने से बोलिए, सबको आवाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा कोई है जिसको साउंड सुनाई नहीं दे रहा? सबको मिल रहा है ना आवाज? हाँ ओके। हो जाने से बोलिए क्वेश्चन। हो गया सर, सबका हो गया? शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले तो इसका फिगर डेवलप करना पड़ेगा। ओके, फिगर आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या है, अ ट्रायंगल एबीसी हैज इट्स साइड एबी इक्वल टू 40 mm अलोंग पॉजिटिव। दैट मींस सपोज कर लो ये मेरा पॉइंट ए है, तो ये क्या हो जाएगा, एबी पॉजिटिव एक्स बोल रहा है ना, तो दैट मींस इस डायरेक्शन में आएगा ना, ये ए हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, इसका डायमेंशन कितना है 40 mm, ओके, अलोंग पॉजिटिव एक्स एंड साइड बी सी, तो दैट मींस ये मेरा बी हो जाएगा, ओके, एंड बी सी कितना है, बी सी इक्वल टू 30 mm अलोंग पॉजिटिव वाई, ओके, दैट मींस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। द फोर्सेस, थ्री फोर्सेस ऑफ magnitude 40 newton, 50 newton and 30 newton acts along AB. That means यहाँ पे force act कर रहा है, उसका value कितना है, 40 newton है. Then यहाँ पे जो force act कर रहा है, उसका value कितना है आपका, 50 newton है. And that means यहाँ भी ये क्या है, closed है. Okay? तो यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है फोर्सेस, उसका वैल्यू कितना है आपका, 30 newton, ठीक है, ये ए बी एंड ये सी हो गया ना। हमको क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, हमको वो चीज पता करना है, फाइन। तो अभी क्या है, हमको तो पता है कि ये एंगल कितना है, 90 degree है ना। हमको जो डेटा गिवेन है, उस डेटा को यूटिलाइज करके हम ये एंगल को निकाल सकता है कि नहीं? हमको ये वैल्यू दिया हुआ है इस एंगल का ना, साइड ए बी 40 mm का है, ओके, साइड बी सी 30 mm का है, ओके, तो ये डेटा यूटिलाइज करके हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं? कितना है थीटा का वैल्यू, आइदर आप थीटा का फॉर्म में ले सकता है या साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म में भी ले सकता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म में अगर लेगा तो आपको ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी हाइपोटेनस को निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हम लोग का, हाइपोटेनस इक्वल टू 30² + 40² आई थिंक 50 होगा क्या, यस 50 mm सही है। Hmm. तो ये मिल गया। अभी हम यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम साइन थीटा का वैल्यू ले सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो दैट मीन्स 30 / 50 कितना है ये, जस्ट 30 / 50 का वैल्यू ले लीजिए, थीटा का वैल्यू नहीं निकालने से भी हो जाएगा, क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली चाहिए होता है ना, 3/5 दैट मीन्स
0.6. सिमिलरली कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा क्या होता है आपका? बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मींस 40 बाय 50, ये होगा ना? 40 बाय 50 दैट मींस कितना होगा? 0.8, ये है ना? लेकिन कुछ डाउट है अभी तक? नहीं। ओके, अभी क्या है, हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स का रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए फिगर में, ये आपका राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना? इसका डायरेक्शन ऑलमोस्ट इसका ऑपोजिट है, बट 100% हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसलिए हमको इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से देखिए, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? हाँ, 0 degree है। ओके, कोस 0 तो 1 होता है ना, लाइक समेशन ऑफ, निकाल सकते हैं यहाँ से, समेशन ऑफ एच इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है? 40 यूनिट है ना, 40, एंड इसका डायरेक्शन ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, ठीक है ना? एंड अगेन अगर आप देखेगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, यहाँ का एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, साइन टर्म आएगा या कोस टर्म आएगा यहाँ पे? कोस, कोस 30 कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू आपको पता है, तो 40 माइनस 30 इनटू कोस थीटा कितना आया था हम लोग का? 0.8। कितना है ये? 16 यूनिट। ओके, न्यूटन है तो लाइक यूनिट मेरा न्यूटन ही रह जाएगा, क्योंकि सब न्यूटन है, ठीक है? सिमिलरली हम वर्टिकल फोर्सेस को निकाल सकते हैं। अभी सबका आ रहा है क्या ये वैल्यू? सबका आ रहा है? अभी हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेगा। ये देखो फिगर को अगेन देखो, ये जो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, है कि नहीं? 50 न्यूटन जो है, बट ये 30 न्यूटन तो लाइक आपका लाइक ये क्या बोलेगा, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स नीचे का डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा। ओके, तो दैट मीन्स सिग्मा वी क्या हो जाएगा मेरा? सिग्मा वी इक्वल टू 50 माइनस, अगर हम यहाँ पे साइन टर्म लगाएगा, साइन 90 कितना होता है? 1। ओके, एंड क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मेरा साइन टर्म यूज होगा ना, तो 50 माइनस 30 साइन, साइन थीटा का वैल्यू कितना था हम लोग का? 0.6। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 50 माइनस 30 इंटू 0.6 कितना है? 32 आ गया। जस्ट आप अभी इसका रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर लो, 32 न्यूटन। नाउ रिजल्टेंट क्या है हम लोग का? रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर, यही है ना, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 35.77 आ रहा है सबका? R equal to 35.77
77 न्यूटन. ओके, तो इस टाइप से लाइक आपको दो तीन मार्क का न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है. ये सिंपल था. सब आ रहा है, एक बार देख चेक कर लीजिए. आ रहा है क्या? ओके, अगर सबका आ रहा है तो इरेज करके आगे चलते हैं. इरेज कर रहा है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इस वन. इसको लेता है. ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक. ओके, इज शोन इन फिगर. एक फिगर भी आपको दिया हुआ है. कहाँ है फिगर? ढूंढना पड़ेगा. फिगर हमको दिया हुआ. यस यस. हाँ, क्लास खत्म होने आ रहा है. हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? लेस देन 1 मिनट बोल के दिखा रहे हैं. कहाँ में? ये स्क्रीन में. स्क्रीन में? ओ, इसको बात करना पड़ेगा. बीच में चला जाने से अच्छा नहीं लगता है.